दोस्तों आजकल एक मार्केट में नया ट्रेंड चला है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और बहुत से यूट्यूबर्स आजकल स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जाते हैं उनका डाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। और यही डाटा उठाकर कुछ यूट्यूबर्स कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ये दिखाते हैं। देखिए कंपटीशन कितना कम है। फॉरेन एग्जाम पर एसएससी की बात करें, एसएससी जेई एग्जाम की, एसएससी ने अभी एक नया पैटर्न चालू किया है। वह पर डे जो एग्जाम होते हैं तो हर दिन उस एग्जाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं उनका परसेंटेज बताया जाता है कि मतलब इस दिन पे इतने स्टूडेंट्स को एग्जाम देने आना था लेकिन आए इतने हैं। तो ये डाटा जो रहता है वो 50% के आसपास रहता है। ऐसे ही बहुत से बड़े बड़े एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम ये डाटा शो करते हैं। तो बेवकूफ बनाने वाले क्या करते हैं, देखिए इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और ये देखिए इतने कैंडिडेट्स एग्जाम देने गए। मतलब आप देख सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना कम है कि कट ऑफ भी कम जाएगा, ये बोलकर आपको उल्लू बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया फॉर्म 1 लाख बच्चे फिल करें चाहे फॉर्म 10 लाख बच्चे फिल करें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वह तो एग्जाम देने जाएंगे ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। आपका कंपटीशन केवल उन्हीं स्टूडेंट से रहेगा जो पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि 1 लाख फॉर्म भर रहे हैं कि 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं उस एग्जाम के लिए। फिर जब रिजल्ट आता है कट ऑफ देखते कि अरे कट ऑफ तो इतनी हाई गई, अरे मेरी रैंक तो इतनी कम है, जबकि इतने से बच्चे तो थे ही जिन्होंने एग्जाम दिए, तो उसमें मेरी रैंक इतनी कम कैसे आ गई जबकि मैंने इतना अच्छा पढ़ के गया था, इतना अच्छा एग्जाम गया था, मेरा नंबर भी इतने अच्छे आ रहे थे, ना तो मेरी रैंक अच्छी आई ना तो मेरा सिलेक्शन हुआ। बाद में वो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपका कंपटीशन केवल उन्हीं स्टूडेंट से है जो पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, ना कि वो बंदे जो एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें।